बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे प्यारे बहन भाइयों मर्द और औरत की जंग आखिर कब तक मर्द औरतों को अपनी तरह धोखे बात समझते हैं इसीलिए इन्हें लगता है कि इनका रिश्ता ख़तरे में है और इसी शक में ज़िंदगी गुजार देते हैं कि कहीं इसकी बीवी को कोई दूसरा शख्स पसंद ना आ जाए यहाँ ये बात समझने की है कि दुखेबाज किसी जिन्स की माराज नहीं होती इखलाकई बुराइयों का टाइटल किसी एक एकफ़ पर नहीं लगाया जा सकता जैसा कि हमारे माशरे में मर्दों को हमेशा ज़ालिम और दुखेबाज ही पेश किया जाता है ये इंसानी फितरत है जब वो किसी के हकूक़ की बात करता है तो इसमें का कांसर खो बैठता है यही वजह है कि जब हम खातिन के हकूक का प्रचार करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मर्द भी इसी माशरे का हिस्सा हैं और वो भी इसी माशरे में वैसे ही पिस रहे हैं जैसा कि खातन देखें इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हम एक शाही माशरे का हिस्सा हैं जहां खुवात को वैसी ताकत और आज़ादी हासिल नहीं है जो मर्दों को है लेकिन इस सूरत हाल को कुछ दीगर पहलुओं से देखना भी जरूरी है ये मसला सिर्फ़ पाकिस्तान तक महदूद नहीं पूरी दुनिया में उन्नीसवीं सदी से जहाँ ख़वातन के हकूक के लिए जदोजहद शुरू हुई वहीं मर्दों के हकूक़ की तनजीमें वहीं मर्दों के हकूक़ की तंजीमें भी उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर चुकी थी मर्दों के हकूक़ का दिफा करने वाली कुछ तंजीमें सिर्फ़ इसलिए वजूद में आती हैं कि खुवान के हकूक की तंजीमों के मदमक़ाबिल आ सकें इस तंजीम का मौक़ ये होता है कि वो माशरे में ज़्यादा खुवान से ज़्यादा का शिकार हैं वो अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में तसब का सामना करते हैं इनका कहना था कि जंगों में हलाक होने वाले मर्द ही होते हैं कोयले की कान में जाकर सख्त तरीन काम भी मर्द करते हैं इन पर जिनसी ज़्यादती के झूठे मुकदमत बनाकर इन्हें बदनाम भी किया जाता है ताहम इन में से कुछ का ख़्याल है कि खुतिन के हकूक़ का तहफ़ ज़रूरी तो है लेकिन मर्दों के हकूक़ करके नहीं हमारे माशरे में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ़ नहीं है माशरे में औरत को हर चीज़ के लिए मर्द की इजाज़त की ज़रूरत है ये भी दुरुस्त है कि मर्द इस कमज़ोर जान को अपनी जागीर समझता है ये भी हकीक़त है कि खुवान को मर्दों के मुकाबले में कम उजरत दी जाती है तेज़ाब फेंकने के वाकयात गैरम गैरत के नाम पर कतल और जिनसी दरंदगी का शिकार करने के वाकयात भी दुरुस्त हैं लेकिन अगर हम सारे मर्दों को हमेशा एक ही नज़र से देखें तो ये बात दुरुस्त नहीं है हमारे बेशतर ड्रामे और फिल्मों में निन्यानवे फ़ीसद मनफी किरदार मर्दों के हिस्से में ही आते हैं यहाँ तक कि बच्चों को किसी बात से रोकने के लिए घर के मर्दों को धमकी ही कारकरदगी होती है यही वजह है कि अमूमन बाप के दफ्तर से वापसी पर बच्चे सामना करने से ही गुरेज कर जाते हैं इसके बरक्स अगर वही बच्चा अपने बाप से जाकर लिपट जाए तो शायद इसके सारे दिन की थकन दूर हो जाती है मर्द भी औरत की तरह बहुत से रिश्तों में बंधा होता है बाप के रूप में बच्चों के लिए वो एक सुपर हीरो का दर्जा रखता है लेकिन इस सुपर हीरो को ज़ीरो करने में औरत का बड़ा हाथ होता है बच्चों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए बाप की हर बुराई इनके सामने खोल कर रख दी जाती है बहुत से मर्द अपने घर बार और बच्चों से दूर दूसरे मुल्क जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं वहाँ इनके पास ना रहने की कोई मुनासिब जगह होती है ना कोई पका कर खिलाने वाला और ना ही कोई दुख दर्द सुनने वाला होता है ईद त्योहारों पर एक फ़ोन कॉल कर इनका नसीब बनती है लेकिन इनके घर वाले पाकिस्तान में इनकी कमाई पर अयाशी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं दूसरों पर अपनी अमारात का रोब डालते वक्त याद भी नहीं होता कि किसके खून पसीने की कमाई है आज़ादी ना मिलने की शिकायत करते खुतिन बड़े धड़ल्ले से चीज़ों की शॉपिंग करती नजर आती हैं ख़वान के लिए हर मौका पर जदीद फैशन का नया सूट लाजमी होता है फिर उस सूट के साथ मैचिंग के दीर लवाजा लवाजमात भी जरूरी है। मर्द पर इल्ज़म की फहरिस्त बहुत तवील है अगर काम को ज़्यादा वक्त दे तो बीवी नाराज़ के इसके पास तो वक्त ही नहीं वही मर्द अगर बीवी को ज़्यादा वक्त दे दे तो माँ बहनों से जनमुरीद होने का ताना सुनता है माशरे का एक मामूमी रवैया ये है कि अगर किसी औरत ने मर्द को जिसमानी तशद का निशाना बनाया है अगर किसी औरत ने मर्द को जिसमानी तशद का निशाना बनाया है तो ना सिर्फ़ इस औरत की हिम्मत की दाद दी जाती है बल्कि मर्द को मजाक का निशाना भी बनाया जाता है लेकिन यही काम अगर मर्द करे तो वो ाल तस्वुर किया जाता है